Assalamualaikum, welcome to our mommy's kitchen. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. आज हम बना रहे हैं मिल्की चिकन. मिल्की चिकन के लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन. जी हमने ये लेग्स लिए हैं, आप चाहे बोनलेस ले लें या जो भी आपको पसंद हो, लेकिन ये 1 किलो है. 2 कप दूध है, 6 जेवे लहसुन है, इसको हमने इस तरह काट लिए, चॉप कर लिए. 5 टेबल स्पून केचप है, 6 अदद हरी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं. इन सारी चीज़ों को हम कुक करेंगे और फिर हम चिकन को बैटर में डिप करके क्रम्स के साथ कोट करेंगे. तो बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अदद अंडा, 4 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें पिसी हुई, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और ये क्रम्स हैं, ब्रेड क्रम्स हैं, और हमें पानी चाहिए. इस सब का हम बैटर बनाएंगे और फिर इससे क्रम्स से हम इसको कोट करेंगे और फ्राई करेंगे. मिल्की चिकन बनाने के लिए हमें सबसे पहले चिकन को हम कुक करेंगे. हम पहले चिकन शामिल कर देंगे. अब हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 6 अदद हरी मिर्चें हैं ये, और 6 जेवे लहसुन की, 2 कप पानी है और दूध है, 2 कप दूध इसमें हम डालेंगे और अब हम चूल्हा चला देंगे. इसको हम कुक करेंगे जब तक ये चिकन अच्छी तरह गल ना जाए और दूध खुशक ना हो जाए, जब तक हम इसको कुक करेंगे. जब तक चिकन कुक हो रहा है हम बैटर बना लेते हैं. बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 4 टेबलस्पून है ये, कॉर्नफ्लोर है 2 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर है 1/2 टीस्पून, नमक है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है 1/2 टीस्पून. इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे. ड्राई फिर ये 1 अंडा है ये डाल देंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर पानी डाल के ना इसको बैटर बना लेंगे. लेकिन बैटर आपने अंदाजे से इतना बनाना है कि ना ज्यादा थिक हो ना ज्यादा थिन हो. देखिए ये कितना स्मूथ हो गया. इसको इतना ही होना चाहिए, ना ज्यादा थिक हो ना ज्यादा थिन हो. अब जब ये रेडी हो जाएगा तो हम जैसे ही चिकन कुक हो जाएगा हम इसमें डिप करेंगे और फिर हम ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे, तो मिल्की चिकन रेडी हो जाएगा. ये देखिए अब ये कुक हो गया है सारा, दूध खुश्क हो गया है और चिकन भी गल गया. अब हम एंड पे इसमें केचप शामिल करेंगे. केचप डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है. 5 टेबलस्पून हमने इसमें केचप डाला है और इसको थोड़ी देर कुक कर लेना. अब
अब ये कुक हो गया, अब हम इसको कोट करेंगे। सबसे पहले हम बैटर में डालेंगे। फिर हम इसमें क्रम्स लगाएंगे। क्रम्स लगा के फिर हम इसको सारों को पहले क्रम्स लगा के कोट करके रख लेंगे और फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो हमारा मिल्की चिकन रेडी हो गया।